तो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और एपी फिल्मी टॉक एपिसोड नंबर 12 में। तो इस एपिसोड में हम बात करते हैं गाइस तरह तरह की मूवीज के अपडेट के लिए। इसीलिए इस एपिसोड को एपी शुरू से लेकर अंत तक देखना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना किसी दिल के फिल्मी टॉक एपिसोड नंबर 12 को शुरुआत करते हैं गाइस। तो बात की जाएगी इस एपिसोड के सबसे बड़ी न्यूज के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है गाइस SS राजामौली की अपकमिंग मूवीज यानी कि महाभारत से। तो भाई सब महाभारत के एक दो पार्ट नहीं बल्कि 10 पार्ट आने वाले गाइस। ऐसे रूमर्स बढ़ रहे कि महाभारत के पहले बोला जा था कि 3 पार्ट में महाभारत रिलीज हो सकती है, लेकिन नहीं, अब महाभारत 10 पार्ट बनने वाले गए। जब महाभारत ऐसे लेटेस्ट बस सोशल मीडिया पे बना हुआ है महाभारत, राजामौली की मूवी यानी कि महाभारत में आपको मल्टी स्टारकर्स देखने को मिलने वाला है, यानी कि हर इंडस्ट्री का सुपरस्टार आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाला है। और इस मूवी अगर 10 पार्ट में अगर रिलीज हुई ना, तो भाई साहब यह मूवी देखना तुम कैसे तबाही मचाएगी गई इंडियन सिनेमा। आप चलते हैं इस एपिसोड के अगले न्यूज की तरफ, जो कि निकल कर आ रही गई तेलुगु इंडस्ट्री के पावर स्टार यानी कि पवन कल्याण की मच अवेटेड मूवी यानी कि उस्ताद भगत सिंह की तरफ से। तो उस्ताद भगत सिंह का कल एक छोटा सा ग्लिम्स आया था जिसने पूरा का पूरा सोशल मीडिया हिला डाला है। उसका ग्लिम एकदम पावरफुल है, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया गया इसका ग्लिम। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि वैसे भी एटली कुमार की थेली मूवी यानी कि जो दलपति विजय की जो थेली मूवी थी 2014 में, उसके रीमेक हो सकती है। कितना ज्यादा एपिक कन्फर्म हो तो आने वाले समय में आपको पता चल पाएगा रीमेक है या नहीं। इस बिना किसी दिल के इस एपिसोड के अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। तो अगली न्यूज आ रही है जैसे विक्रम मेहता को OTT को लेकर। तो भाई साहब यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग एक्साइटमेंट है जैसे विक्रम मेहता के OTT रिलीज को लेकर, क्योंकि भाई साहब 6 से 7 मंथ हो चुके थे जैसे मूवी को रिलीज हुए गए। और अभी भी मूवी OTT पर आई नहीं थी, लेकिन फाइनली आज मूवी OTT पर रिलीज हो चुकी है। वो भी आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो गए जैसे विक्रम मेहता मूवी OTT पर आपको जियो सिनेमा ऐप पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी गई आज से। तो गई बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि निकल कर आ रही है अरुण दौर की मच अवेटेड मूवी यानी कि बवाल से। तो वैसे बवाल मूवी रिलीज होने वाली गई 6 अक्टूबर को, उसका फर्स्ट ग्लिम्स आने वाला है जिसकी लेंथ लगभग 1 मिनट की होने वाली गई। गई बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि निकल कर आ रही है गई नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मच अवेटेड मूवी यानी कि जोगीला सरारा से। तो वैसे जोगीला सरारा को आप पोस्टपोन कर दिया गया, पहले जोगीला सरारा को आज यानी कि 12 मई को रिलीज होना था, लेकिन आप यहाँ पे 12 मई से सीधा यहाँ पे पोस्टपोन करके 26 मई को आपको वर्ल्ड सिनेमा ग्रो में देखने को मिलने वाली है जब यहाँ पे जोगीला सरारा मूवी। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि निकल कर आ रही है जब अल्लू अर्जुन की न्यू मूवी यहाँ पे साइन करने वाले गए, जिस मूवी का नाम हो सकता है जब अस्वस्थ यानी कि जो विक्की कौशल इस मूवी में आपको दिखाई देने वाले गए। जब विक्की कौशल को रिप्लेस करके अब अल्लू अर्जुन इस मूवी में आपको लीड रोल में दिखाई देने वाले गए। अश्वस्थामा मूवी जो है एक सुपर हीरो मूवी होने वाली है। तो चलते हैं इस एपिसोड के अगले न्यूज की तरफ, जो कि निकल कर आ रही है जब महेश बाबू की मूवी यानी कि SS MB 28 को लेकर बैड न्यूज निकल कर आई है। इस मूवी की कुछ कारणों की वजह से इस मूवी की शूटिंग को बंद कर दिया गया है, और ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद इस मूवी की शायद शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। बिना किसी दिल के चलते इस एपिसोड के अगले न्यूज की तरफ, जो कि निकल कर आ रही है रामचरण की मच अवेटेड मूवी यानी कि गेम चेंजर से। तो भाई सब गेम चेंजर की रिलीज डेट 2024 के जनवरी मंथ में थी, लेकिन जनवरी से पहले इस मूवी को आप रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि भाई सब जनवरी में बहुत ज्यादा क्लैशेस होने के कारण इस मूवी को आप December 2023 में ही रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप जान लेते हैं कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जैसे कि आज रिलीज हुई 2 मूवी जैसे कि IP 71 और छत्रपति। तो सबसे पहले बात करेगा अपने छत्रपति मूवी के Day 1 के कलेक्शन के बारे में, जो कि लगभग 5 से 6 करोड़ के लगभग निकल के आ रही है वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और छत्रपति मूवी को मिक्स टू पॉजिटिव रिव्यू मिले गए, जिसके कारण यह मूवी का कल से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे थोड़ा डाउन हो सकता है। इस बात की जाएगी जब IP 71 की, तो वही सब IP 71 मूवी भी आज यहाँ पे रिलीज हो चुकी है, और इस मूवी को रिस्पॉन्स यहाँ पे मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। और इस मूवी के Day 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी लगभग 5 से 6 करोड़ के लगभग निकल कर आए गए। और इस मूवी के Day 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे थोड़े ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि इसको रिस्पॉन्स यहाँ पे थोड़ा अच्छा मिला है छत्रपति मूवी से। आप बात की जाएगी जब बॉक्स ऑफिस पे यहाँ पे तूफान लाने वाली मूवी यानी कि द केरला स्टोरी मूवी के Day 8 के कलेक्शन के बारे में, तो वैसे भी मूवी ने Day 8 को तो वैसे भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे इंडिया से नेट कलेक्शन 12 करोड़ किया गया। और ऐसे करके इस मूवी का पूरा टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे 91 करोड़, यानी कि 91 करोड़ के लगभग इस मूवी ने इंडिया नेट कलेक्शन किया गया। और ग्रॉस कलेक्शन यहाँ पे 100 करोड़ से भी ज्यादा आएगा। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी इस मूवी का 8 दिनों का वर्ल्ड वाइड यहाँ पे 100 करोड़ से भी ज्यादा कर चुके गए, यानी कि शुरुआती 8 दिनों पे यह मूवी यहाँ पे 100 करोड़ के क्लब को यहाँ पे ज्वाइन कर चुकी है। इस एपिसोड को करते ही पेंड, अगर वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना, और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बता देना।